नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई प्रदीप सर पे। कुछ बच्चों के घर में आज दोबारा से खुशी आई है। ग्रुप डी की और ग्रुप सी की एक नई मेरिट लिस्ट आई है, यानी जिन बच्चों का सिलेक्शन किसी कारणवश रुक गया था उनके घर आने में नई खुशी आई है। और हम चाहते हैं ऐसी ही रिवाइज रिजल्ट एक और ग्रुप डी की सेकेंड लिस्ट है एक और जारी की जाए, ताकि है ना जिन बच्चों ने ज्वाइनिंग नहीं की है या जिनका कहीं और सिलेक्शन हो गया उनको मौका मिले। तो देखो क्या रही है कट ऑफ, में डिस्कस करते हैं प्यारे बच्चों। और जिस भी बच्चे का सिलेक्शन हुआ है ना, वो इस नंबर पर जय माँ सरस्वती का नाम लेकर मैसेज जरूर करे कि सर हमारा भी सिलेक्शन हो गया, हमारा भी इस लिस्ट में नाम आया है। कोई भी काम करो जय माँ सरस्वती जी का नाम लेकर किया कीजिए। चैनल जरूर सब्सक्राइब करना प्यारे बच्चों। 99 916 20 21 0 की सर हमारा भी सिलेक्शन हो गया। अगर आपको लगता है कि हमारा 1% भी आपके सिलेक्शन में योगदान था, इस नंबर पे मैसेज कीजिए। तो प्यारे बच्चों ये है लिस्ट अनाउंसमेंट रेफरेंस डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ ग्रुप डी पोस्ट इन वेरियस डिपार्टमेंट अगेंस्ट इन कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन नोटिस रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ ग्रुप डी रिजल्ट डेटेड 7/7 को ये रिजल्ट है। दिस इज द फॉर द इंफॉर्मेशन, ये मतलब जो 7 को कुछ बच्चे रह गए थे ना, इंफॉर्मेशन फॉर द कैंडिडेट डेट आफ्टर स्क्रूटनिंग द वेरियस री जो रिप्रेजेंटेटिव रिसीव्ड फ्रॉम द कैंडिडेट सम इश्यू रिलेटेड टू द कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट स्पेशली ये स्पोर्ट्स पर्सन की ESM कैटेगरी कैंडिडेट ड्यू टू एंड वेडरमेंट एरर हैव कम टू द नोटिस ऑफ द कमीशन। कहने का मतलब है कुछ बच्चों का ना डॉक्यूमेंट्स में कोई मतलब सही से अपलोड नहीं था, या स्पोर्ट्स पर्सन का सर्टिफिकेट नहीं लगा था। द स्क्रूटनिंग ऑफ द कैंडिडेट शैल बी फिक्स्ड ऑन द रिक्वायर्ड प्रोसेस अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट, ये है। और ये है जर्नल की जो UR जर्नल का ये रोल नंबर है, ठीक है। SC के इतने कैंडिडेट हुए हैं, BCA के, BCB के, EWS का एक है, URESM एक है, SCESM है, BCB, तो ये नई लिस्ट आई है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसी लिस्ट ये तो बहुत कम बच्चों की आई है, और भी एक लिस्ट आएगी। कल भी एक गुड़िया शादी में मिली थी, वो कह रही है सर हमें तो मैं तो अभी तक गई नहीं, तो बहुत से बच्चे और भी जाएंगे। और आचार संहिता का अभी तक टेंशन मत लीजिए, आचार संहिता 18 से 20 के बीच में लगेगी, हो सकता है आचार संहिता 20 के बाद लगे, तो क्या पता ये लिस्ट 19 तक और कुछ हो सकता है। बाकी देखो फ्यूचर में क्या होता है, तो इन बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्दी से जल्दी अपना मेडिकल का प्रोसेस कर ले। अब ये ग्रुप सी की एक लिस्ट है और इसमें दिखाई गई है डिक्लेरेशन अपडेटेड रिजल्ट ग्रुप सी इन वेरियस डिपार्टमेंट अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर ग्रुप नंबर 16 का इन बच्चों का हुआ है, 17 का डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन में जो डिपार्टमेंट DMER हरियाणा, ग्रुप 30 फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर का, ये दो फायर कम ऑपरेटर की ना ये एक नई लिस्ट आई है बेटा। जो ये लिस्ट वो है जिनके मतलब डॉक्यूमेंट्स में मतलब कोई कमी थी ना, जो बच्चों के मतलब सर्टिफिकेट है ना वो कर दिए थे। MPHW की भी लिस्ट आई है, आयुष की भी आई है, ठीक है। तो इसमें डिस्पेंसर यूनानी की भी आई है, डिस्पेंसरी असिस्टेंट मैनेजर की आई है। तो ये कहने का मतलब ये टेलीग्राम में भी मैं डाल दूंगा, तो बहुत से बच्चों के घर आज है ना इनका ग्रुप सी में भी सिलेक्शन हो गया है। तो बहुत से लाइब्रेरी टेक्नीशियन की भी आई है, इंडियन कुक की भी आई है। तो कहने का मतलब है बहुत इन बच्चों के लिए लगभग खुशी का एक आज है माहौल बना है। तो सभी को ऑल दी बेस्ट, और मैसेज करके जरूर बताएं। और हम चाहते हैं ग्रुप डी की एक और लिस्ट है जल्द से जल्द आई मेरे भाई बहनों के घर में, खुशियों रूपी होली बने। धन्यवाद, जिसका भी सिलेक्शन हुआ है कमेंट जरूर करें। लव यू ऑल।